जी व्यूअर्स, वेलकम बैक टू हेल्दी मॉर्निंग। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे थोड़ी सी डेंटल हेल्थ पे। और डेंटल हेल्थ की जब हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा रिपोर्टेड केसेस आजकल अपार्ट फ्रॉम द नॉर्मल डेंटल डिजीजेस के अलावा जो हो रहा है वो हो रहा है ओरल कैंसर। ओरल कैंसर का बढ़ता हुआ इंसिडेंस, व्हाई इज़ दैट सो? ऐसा हम क्या कर रहे हैं, ऐसा क्या हो रहा है हमारे सराउंडिंग्स में, या ख़ुद हम ऐसा क्या खा रहे हैं जिसकी वजह से ओरल कैंसर डे बाई डे इंक्रीज़ होता जा रहा है, उस बात करने के लिए इस वक्त हमारे पास एक डॉक्टर साहब मौजूद हैं जो कि प्रोफेसर भी हैं एंड हेड ऑफ ओरल मेडिसिन डिपार्टमेंट भी हैं ज़ियाउद्दीन मेडिकल यूनिवर्सिटी में, प्रोफेसर जॉन इसहाक इस्लामी के साथ। वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, मेहरबानी। बिल्कुल ठीक ठाक जी, जी। अच्छा सर, ओरल कैंसर जैसी खतरनाक बात करने से पहले हम सर से पूछेंगे हमारे पोल का सवाल, और इसके बाद हम सर से ओरल कैंसर पर बात करेंगे। सर, हमारा जो पोल का क्वेश्चन है, अच्छा इट्स अ नॉन मेड नॉन डेंटल क्वेश्चन, ठीक है? इट्स अबाउट जनरल लाइफ, इट्स अबाउट आवर अप्रोचेस कि हम जिंदगी कैसे देखते हैं, कैसे अप्रोच करते हैं। हमारा जो सवाल है वो ये है कि आजकल के ज़माने में इंसानियत पे भरोसा करना कि वो कर नहीं करेगा, मतलब वो भी इंसान है, ही यू नो विल फॉरगिव इट और ही लीव इट या ही विल वर्क फॉर अस, वो यू नो इस तरह की किसी से होप रखना सही होता है या गलत होता है? नहीं, उम्मीद तो रहती है और बहुत अच्छे लोग हैं, कम होते चले जा रहे हैं लेकिन काफ़ी हैं अभी भी हैं। और किसी को एकदम से सस्पेक्ट करना या उनको अच्छा इंसान ना समझना अच्छा नहीं लगता। मेरे ख्याल से सब पर पहली बार तो ट्रस्ट करना ही चाहिए और मेरे ख्याल से एक बार ज़रूर ट्रस्ट करना चाहिए शुरू में। और तो ज़रूरी है कि हम एक बार शुरू में ट्रस्ट करें और फिर वो जी कुछ हो ही हमारे साथ एंड देन वी रियलाइज कि वी शुडन्ट हैव। ज़्यादातर लोग अच्छे होते हैं तो तल्ख तजुर्बे कम ही होते हैं लकीली, और फिर उनसे ज़रा फिर एहतियात और डीलिंग आ ही जाती है इंसान को कि किस तरह से डील करना चाहिए। ओके, तो मतलब शुरू में ज़रूर करना चाहिए, एकदम से किसी को सस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, दिस व्हाट यू वांट टू से? जी जी, ये बहुत ज़रूरी है। और कुछ इस तरह से लोगों को तजुर्बा होता है तो हर इंसान के साथ इस तरह से पेश आते हैं कि सस्पेक्ट करते हैं वो कि वो नहीं तरह का बुरा इंसान हो, तो मेरे ख्याल से सबको शुरू में अच्छा समझना चाहिए। उसके बाद अगर वो प्रूफ करता है कि वो नहीं है इस काबिल कि आप उसको ट्रस्ट करें, तो फिर आप ज़रा एहतियात कीजिएगा। और लेकिन कर्टसीज हमारी फिर भी हमें मेंटेन करनी चाहिए, अच्छे बिहेवियर हमारा कांस्टेंट रहना चाहिए, अच्छा हो या बुरा हो। ये तो है, ठीक है जी। अच्छा डॉक्टर साहब ने बड़े अच्छे से अपने अपने व्यूज बता दिया हमें। अब हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे जी ओरल कैंसर के बारे में। ओह, पहले कॉल मौजूद है, कॉल अटेंड करते हैं फिर जी इस बारे में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग, कौन बात कर रहे हैं? ज़वार बोल रहा हूं। ज़वार साहब, आज तो आपने जल्दी फोन कर लिया, लाइट होगी आपकी आज? हाँ जी, लाइट है। हाँ, क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा जी, हमारे पोल के जवाब दीजिए जी। जी जी, ज़वार साहब की आवाज, आपकी आवाज क्रैक कर रही है। ज़वार साहब, सिग्नल्स नहीं। हाँ जी, अब बताइए, अब बताइए क्या कह रहे हैं? खुद अच्छा होता है तो फिर वो सब कुछ अच्छा समझता है और फिर वो इसी उसमें सब कुछ अच्छा करता जाता है जब तक उसके साथ कुछ नहीं हो जाता। कुछ नहीं होता, लेकिन जब होता है तो वो बेचारा टूट फूट जाता है। तो अब अकलमंदी कहाँ है? अकलमंदी ये है कि एक बार घुमाए, दूसरी बार घुमाए, तीसरी बार तो दरिया में छलांग लगा दे। एक बार आजमाने के बाद दूसरी बार फिर से आजमाए? आजमाना चाहिए ना, कुछ लोग रिश्ते ऐसे होते हैं ना जिनको आजमाना पड़ता है, जिनकी बात माननी पड़ती है। लेकिन जो माने की चक्कर में अपनी जिंदगी खराब कर लेता है, लेकिन उसका भी अल्लाह ही वारिस होता है। सही, ऐसे काम होते हैं कि लोग उसके साथ उल्टा करने की कोशिश करते हैं, अल्लाह मियां की तरफ से बहुत सीधा हो जाता है। ठीक है, ऑलराइट, जो लोग उल्टा करते हैं उनको शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। चलें, ठीक है जवाब साहब। अच्छा, हम ओरल कैंसर पे बात कर रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे या कुछ पूछना चाहेंगे? ये मुंह का कैंसर होता है कोई? हाँ जी, मुंह कैंसर होता है, कोई नहीं, बहुत हो रहा है। अच्छा, होता है, मुझे तो नहीं ना हो। अच्छा, तो मैं
चले फिर हम आपको इसके बारे में बातें बताते हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल सर. ओरल कैंसर, व्हाट आर द कॉजेस एंड व्हाट इज द इंसिडेंस? मुंह का कैंसर जिसको हम कहते हैं, और इसके कॉजेस एग्जैक्टली हमें मालूम नहीं है, लेकिन जिस जिसको कैंसर होता है मुंह का, वो ज़रूर पान, छालिया, सुपारी, तंबाकू, सिगरेट, अल्कोहल और नास, नसवार और इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल कर चुका होता है. तकरीबन सब, सिवाय बड़े रेयर केसेस में कुछ इस तरह के कैंसर हमें नज़र आते हैं जिसमें ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं हुई हैं. ठीक है, तो लिहाजा क्योंकि हम हर मरीज में यही देखते हैं कि वो कोई ना कोई किसी किस्म का अब्यूज़ यूज़ कर रहा था, तो हम एडवाइस करते हैं पेशेंट्स को कि या ना इस्तेमाल किए जाए इससे पहले कि कैंसर मुंह में बन जाए. तो हम ये सस्पेक्ट करते हैं कि इन चीज़ों को इस्तेमाल करने से कैंसर होता है माउथ का. ओके, अच्छा सर, जिन केसेस में आपने भी सुना होगा, वो कहते हैं हम तो कभी हमने पान, छालिया, गुटखा ऐसी और स्मोकिंग कुछ भी नहीं किया, तो फिर हम लोगों में कैसा क्यों हुआ, मुझ में ऐसा क्यों हुआ, दे ऑलवेज कम अप विद थिंग्स लाइक दिस. ये बात मुंह के कैंसर का मरीज नहीं कहेगा, मुंह के रेयर केसेस, बहुत रेयर केसेस, और कभी कभी कुछ शक पड़ता है कि कुछ बहुत रेयर केसेस ऐसे हैं जहाँ ये चीज़ें पान, छालिया, तम्बाकू, गुटखा, मेमपूड़ी, सुपारी और नसवार और नास और ये चीज़ें इस्तेमाल न हुई हों, बहुत रेयर हैं. और ये भी हो सकता है कि बहुत पहले उन्होंने छोड़ दी, उस वक्त ना कर रहे हों जब उन्हें प्रॉब्लम हुआ हो, पहले यूज़ कर चुके हों. और एक और भी बात है कि कई बार कुछ लोग मंजन और कुछ तरह के पाउडर्स इस तरह के हैं जो काफ़ी डेंजरस हैं, और कुछ टूथपेस्ट जो मैं सोचता हूँ कि अच्छे नहीं है माउथ की सेहत के लिए, और वो अवॉइड किए जाने चाहिए. उनमें भी वही तकरीबन वही फ्लेवरिंग केमिकल्स होते हैं जो सुपारियों में और मेनपुड़ी और गुटके वगैरह में डाले जाते हैं. ऐसी टूथपेस्ट भी अवेलेबल पाकिस्तान में? तो हर किस्म की टूथपेस्ट अवेलेबल है अपनी कंट्री में. सो कई बार कंपनी जो उसको मैन्युफैक्चर कर रही है उसका नाम भी नहीं होता उसके ऊपर. सो हमें थोड़ा सा एहतियात बरतना चाहिए, खास तौर पे मंजन भी. मंजन में बाकायदा तंबाकू डाला जाता है कूटकर. सो जी, तो ये थोड़ा सा एहतियात करने की ज़रूरत है. सो कुछ ऐसा टूथपेस्ट यूज़ किया जाए जहाँ जिसमें कोई केमिकल्स ना हो ज़्यादा, फ्लोराइड्स के अलावा, तो वो ज़्यादा मुनासिब होता है. और इन चीज़ों से ज़रा परहेज करें जिसका नाम मैंने लिया है. और सर द पॉइंट इज़ के देखें, हमारे अवाम जो है ना वो बेचारी मासूम है, एजुकेशन लेवल बहुत कम है, ठीक है? और ये भी नॉर्मल लोगों के लिए भी मालूम करना मुश्किल है कि ये जो टूथपेस्ट है इसमें किस तरह के इंग्रेडिएंट्स हैं और किस तरह ये हार्मफुल हो सकते हैं. आपने कहा टूथपेस्ट में भी इस तरह की चीज़ें शामिल होती हैं, हाउ डू एक्सपेक्ट नॉर्मल पीपल टू नो अबाउट इट? जी, ये मेरे ख्याल से हमारे डेंटिस्ट को हमें एजुकेट करना पड़ेगा कि वो टूथपेस्ट को वो प्रोपगेट न करे जिसमें केमिकल्स ज़्यादा हो, एंटीसेप्टिक्स ज़्यादा हो, क्योंकि ये फिर एक कुदरत की दी हुई जो प्रोटेक्शन है उसके साथ ये चीज़ें इंटरफेयर करती हैं. सही. और कुदरती जो प्रोटेक्शन हमारे माउथ में है, मुंह में है, वो एक उससे खूबसूरत प्रोटेक्शन तो हो ही नहीं सकती. अब ये है कि वो कभी कमज़ोर पड़ जाती किसी बीमारी में, डायबिटीज़ में, किसी और वजह से, और अगर इसको इंटरफेयर न करें तो हमें काफ़ी प्रोटेक्शन रहती है. ठीक है सर, एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद जी हम वापस आते हैं और इस बारे में और बात करते हैं. आप लोग कहीं नहीं जाएगा, अभी वापस आ रहे हैं.